और बीमारियों से बचाव आज का ये विषय है और क्योंकि ठंड भी अचानक बढ़ गई है तो ऐसे में कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पाले जैसी स्थिति बन रही है वहाँ पर पशुओं की देखरेख कैसे करनी है कौन कौन सी समस्याएं उन्हें इस मौसम में हो सकती हैं टीकाकरण क्यों महत्वपूर्ण है सभी बातों पर आप हमसे अपने प्रश्न जान सकते हैं उनका जवाब जान सकते हैं अपनी बात हम तक तो पहुंचा सकते हैं इसके लिए आप हमारा टोल फ्री नंबर नोट कर लें जिसके माध्यम से आप हमें संपर्क करें एक आठ शून्य शून्य एक एक तीन शून्य छः शून्य दूसरा नंबर এক আট শূন্য শূন্য এক এক তিন শূন্য ছ এক दोनों टोल फ्री नंबर है यानी इस पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा सिर्फ आप फोन लगाएं और अपनी समस्या हम तक पहुंचाएं आपके प्रश्नों के जवाब देने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ हैं आइए उनसे मुलाकात करवा दें डॉक्टर आर एन शर्मा पशु विशेषज्ञ कृषि के विज्ञान केंद्र शिकोहपुर गुरुग्राम से हैं हमारे साथ बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर शर्मा और सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस मौसम में क्योंकि जैसा कि अभी हम थोड़ी देर पहले चर्चा भी कर रहे थे आपसे प्रोग्राम से पहले कि ठंड अचानक से बढ़ गई है तो जहां हम मनुष्य तो अप, अपने आप को सुरक्षित कर लेते हैं गरम कपड़े पहनकर लेकिन पशुओं के, पास इतने अपने खुद से इस तरह के बहुत जरूरी है हमारा पशु आ, उसके लिए अगर बचाव नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से वो उसका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा दूध उत्पादन पर एकदम विपरीत असर जाएगा तो जिस तरह से आजकल उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों के अंदर अचानक ही ठंड पड़ गई है और कई जगह बर्फ बारी हुई है तो उससे ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो अपने पशुपालक भाइयों से कहूँगा कि पशुओं को ऐसी जगह पर ना बांधें, जहाँ एकदम तेज हवा पन... चल रही हो और उसको पशु घर के अंदर ही रखें और विशेषकर जो हमारे छोटे कटिया कटरे हैं बछड़ा बछड़े बच हैं उनका इस मौसम में बहुत ज्यादा ज्यादा ध्यान रखना जरूरी है तो उनके शरीर पर कोई कपड़ा जरूर डाल के रखें और उसको अच्छी तरह से बांधें और एक बात का और ध्यान रखें कि जब रात के अंदर पशुओं को अंदर रखें हुँ. क्योंकि रात के अंदर देखिए तापक्रम काफी कम हो जाता है जी, जी, बिल्कुल. तो उसमें जो है ना बिछावन भी कोई फर्श पर जरूर डालें ताकि पशु को जो है ना फर्श से जी बिल्कुल क्योंकि कई जगह हम देखते हैं जो पशु के आवाज से वहाँ पर जो जमीन है वो भी फर्श बना देते हैं पक्का कर देते हैं जो कि ठंड में और अधिक ठंडी हो, हो जाती है और गर्मी में गर्म हो जाती है तो ऐसे में इसकी भी उचित व्यवस्था हमारे पशुओं के लिए करनी होगी बीमारियां कौन कौन सी हो सकती है टीकाकरण क्यों महत्वपूर्ण है बचाव कैसे करें इन बीमारियों से इन पर सभी बातों पर हम आगे बात करेंगे लेकिन पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं पशुपालन व्यवसाय किसान खेती के साथ साथ ही करते हैं और इससे जो भी सामान प्रयोग किया जाता है वो खेती से ही प्राप्त हो जाते हैं चाहे वो चारा दाना या हो भूसा लेकिन पशुओं से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए किसानों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित आहार खिलाया जाता है तथा समय समय पर रोग रोधी टीके लगवाने चाहिए ये टीके सरकार द्वारा साल में दो बार मुफ्त लगाए जाते हैं पशुओं से अधिक दुग्ध उत्पादन के लिए रहने की व्यवस्था तथा साफ सफाई का पूरी तरह से ध्यान रखना अति आवश्यक है दुधारू पशुओं को परजीवियों से बचाने के लिए साफ सफाई का अत्यधिक महत्व है इसके अतिरिक्त शिशु पशुओं को भी पेट के कीड़ों से बचाने के लिए दवाई देनी चाहिए पशुओं को दिन में दो बार स्वच्छ जल अवश्य पिलाएं, तभी आप पशुधन से अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं तो भी आपने जाना कि पशुधन से कैसे आप अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं इसके लिए जरूरी है कि हमारे जो पशु हों वो स्वस्थ हों और वे स्वस्थ तभी रहेंगे जब उनके आहार उनके आवास और उनके टीकाकरण का आप ध्यान रखेंगे उन्हें कोई बीमारी नहीं लगने देंगे अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप हमें फोन कर सकते हैं और हमारे पहले कॉलर आज के हेलो किसान के कार्यक्रम के जुड़ चुके हैं राजस्थान से हमारे पहले दर्शक हेलो जी हल नमस्कार नमस्कार जी जगपाल जी बताइए क्या समस्या है क्या जानना चाहते हैं आप जगतपाल जी बछड़ा है साहब एक साल का उसके कब्जी रहती है गोबर पूरा नहीं आता खुल के उसको हाँ देखिए मैं आपको सलाह दूंगा अगर एक इसका मतलब उसको कब्ज रहती है हाँ तो कब्ज दूर करने के लिए देखिए काफ़ी संभव उम्मीद है कि उसके पेट में कीड़े हैं तो आप हाँ। दवाई साठ एम आप एक बार दे देंगे तो अगर कोई पेट में अगर कीड़े होंगे तो वो पूरी तरह से निकल जाएंगे और उसकी कब्ज़ दूर हो जाएगी फिर भी अगर आपको लगता है कि कब्ज़ दूर नहीं होगी तो मैं आपको बताऊंगा एक अरंडी का तेल आता है उसमें लगभग 100 एम अरंडी का तेल और लगभग 200 सौ जो है ना दूध उसको गरम गरम करके उसको गुनगुना करके इसमें मिला के अगर दे देंगे तो जो जो आपका कटरा है जो बछड़ा है आ, सुबह शाम को दें आप उस दवाई को तो सुबह तक उसका पेट साफ़ हो जाएगा और फिर आगे कोई समस्या नहीं रहेगी जी तो आपने एलवंडा अल, जॉयल दवा का नाम बताया तो तो ये ये आसानी से उपलब्ध है और दे सकते हैं इसका कोई नुकसान तो नहीं होगा नहीं नहीं ये दवाई जो है ना हम अपने सभी तरह के पशुओं को चाहे वो छोटा पशु है या बड़ा पशु है उसको देना चाहिए मैं तो ये कहूंगा कि जो जो छोटा बच्चा है जैसे ही जन्म लेता है उसके 20 दिन बाद दवाई को देना चाहिए और उसके हर महीने दवाई जो है ना डॉक्टर की सलाह से उसको देते रहेंगे तो वो पेट में अगर अगर कोई कीड़े वगैरह होंगे होंगे तो वो निकल जाएंगे अगर नहीं भी होंगे, तब ये दवा जो है न, काफी अच्छा होता रहता है बिहार से एक दर्शक है रोहित से भी हम बात कर लेते हैं जी रोहित जी बताइए क्या सवाल है आ, हाँ मैं, पशु को नमक कितना दिन तक देना चाहिए कब कब देना चाहिए कितना नमक देना कितना देना चाहिए और कब देना चाहिए हाँ देखिए हाँ. जो आ, संतुलित आहार है उसके अंदर नमक की आ, बहुत जरूर आवश्यकता पड़ती है और ये आहार का एक प्रतिशत होना चाहिए अगर आप सौ किलो दाना देते हैं तो उसमें एक किलो जो है आ, नमक होना उसका जरूरी है और नमक का विशेष फायदा ये है कि इससे ये सोडियम और क्लोराइड ये नाम बनता है तो इन दोनों तत्वों की पूर्ति होती है और ये पशु के प्यास को भी बढ़ाता है अगर पशु को समुचित मात्रा में नमक मिलेगा तो वो पर्याप्त मात्रा में पानी पिएगा और उसमें उसका पाचन तंत्र सही रहेगा और कभी भी उसको कब्ज की शिकायत नहीं रहेगी तो या तो आप इस तरह से दाना बनाते हैं तो एक प्रश्न मिला दें और नहीं तो आमतौर तो पर हमारे किसान भाई एक मुट्ठी कहते हैं नमक जो है ना वो अगर दे देता है दिन के अंदर आ, तो ये उसके लिए काफ़ी रहेगा और उसको कोई समस्या नहीं आएगी जी रविंद्र एक और दर्शक जिन्होंने हमें हरियाणा के हिसार डॉक्टर को भी पूछ लिया वो पूरा ठंड नहीं आया जी अभी तक जी डॉक्टर साहब देखिए ये जो आप बता रहे हैं, ये थनेला रोग है और ये वाकई ऐसा बीमारी है जो बहुत तरह के कीटाणुओं के प्रभाव से होती है एक बार थन में अगर संक्रमण हो जाता है तो काफ़ी हद तक जो है ना जो जहाँ दूध बनता है वो जो शरीर का हिस्सा है वो काफ़ी खराब हो जाता है तो दूध की मात्रा उसमें कम हो जाती है आ, मैं चाहूँगा कि आप अपने जो पशु जिस थन का जिस में इन्फेक्शन था जिसमें समस्या है उसका एक बार दूध ले लें और एक जो प्रयोगशाला है पशुओं के की प्रयोगशाला होती है जांच की वहाँ पर थनेरा रोग की जांच करा लें अगर उसमें फिर भी अगर कुछ लक्षण टेस्ट में आ जाता है तो फिर डॉक्टर से आप जो है फिर दोबारा एक बार एक कोर्स जरूर करवाएं जिसमें बहुत सारी एंटीबायोटिक दवाई होती हैं और कई बार दर्द निवार दवाई भी देनी पड़ती है तो अगर ये देंगे तो उम्मीद है काफी हद तक और उसका एक संतुलित आहार भी जरूर दें कैल्शियम का सप्लीमेंट भी करें तो थोड़ा सा आहार भी अगर उसका बढ़ाएंगे तो ये उम्मीद है कि उसमें पूरा दूर आ जाएगा जो है जी और इसी के साथ ही लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का आप कहीं मत जाइएगा देखते रहे हेलो किसान कुछ और जो महत्वपूर्ण बातें हैं टीकाकरण बीमारी और बचाव से लेकर वो आप तक तो पहुंचाएंगे छोटे से ब्रेक के बाद देखते हेलो किसान। चाहे वो लद्दाख के ऊंचे पहाड़ हो सुंदरबन के मैंग्रोव के जंगल या चंबल के बीहड़ असम में ब्रह्मपुत्र नदी का कहर या फिर गुजरात का विशाल रन ऑफ कच्छ इस देश में किसानों के लिए कदम कदम पर चुनौतियां हैं पर साथ ही है इनसे निपटने की हिम्मत भी इसी जज्बे और हिम्मत को दूरदर्शन किसान सलाम करता है और आपके लिए लेकर आया है एक बेहद खास कार्यक्रम चुनौती देखिए हर शुक्रवार रात नौ बजकर तीस मिनट पर ब्रेक के बाद हेलो किसान में एक बार फिर आपका स्वागत है तो आज हम बात करें पशु में टीकाकरण बीमारियों और बचाव के बारे में और इस बीच एक दर्शक है उमेश जिन्होंने पंजाब से कॉल किया है उमेश जी का हम कॉल ले लेते हैं जी उमेश जी बताइए क्या समस्या है नमस्ते मैम जी नमस्कार मैम मैं ऐसे पूछ रहा था हम पंजाब से बोल रहे हैं उमेश कुमार जी जी मैडम में हमने ना पंजाब में मोरा नस्ल का जो भैंस के लिए मोरा नस्ल का टीका लगवाते हैं वो यहाँ पर नहीं मिलता अगर मिलता है तो कोई पंद्रह सौ का बोलता है कोई हजार का बोलता है कोई पैंतीस सौ का बोलता है जी जी हिसार से कितने का मिलेगा और इस कैसे इसको लेके आए जी पंजाब जी डॉक्टर शर्मा क्या बता देखिए पंजाब के अंदर तो लुधियाना के अंदर पंजाब जो विश्वविद्यालय गुरु अंगद देव विश्वविद्यालय है वहाँ पर आपको संपर्क करेंगे तो वहाँ पर आसानी से उसका टीका मिल जाएगा और पंजाब सरकार तो बहुत अच्छे स्तर पर जो है ना ये टीकाकरण जो पशुओं में कृत्रिम गर्भाधार की सुविधा है वहाँ बहुत अच्छी सुविधा है तो मैं समझता हूँ आपको हिसार जाने की जरूरत नहीं है मैं आपको सलाह दूंगा के गुरु अंगद देव यूनिवर्सिटी है वहाँ पर जो है ना गढ़वासु जिसको बोलते हैं वहाँ पर आप संपर्क करें प्रजनन विभाग वहाँ पर जो है आ, एनिमल ब्रीडिंग वाला तो वहाँ पर आपको टीका बहुत ही कम दाम में और वो आपको सलाह भी दे देंगे कि उनके जो अस्पताल है वहां पर आप आसानी से मुर्रा नस्ल का टीका आप आसानी से, से लगवा सकते हैं जी आदर्श कुमार एक और दर्शक बात कर लेते हैं हेलो हेलो जी बताइए आदर्श जी, 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 जी क्या समस्या है हेलो जी जी आदर्श मुझे सुन पा रहे हैं आप हाँ बता रहे हैं हमारे पा, हमारे पास जो गाय है जी हाँ जी हम सुन पा रहे हैं हमारे पास एक गाय है हुँ. वो कम दूध देती है हाँ देखिए अगर जो कम दूध देती है तो एक कारण कितना खिलाया जाता है वो कम दूध देती है खिलाई कहते खिलाई पिलाई खूब अच्छी की जाती आ, है हाँ तो देखिए जो बिहार का मैंने जहाँ तक मेरा अनुभव ये है कि बिहार के अंदर जो क्षेत्रफल है काफी बारिश होती है पानी भी भरता है तो वहाँ पर पेट के कीड़ों की समस्या बहुत ज्यादा है तो मैं आपको सलाह दूंगा की आप प्राजीन या एलवंडा आ, की मतलब एलवर्नाजौल की डेढ़ डेढ़ ग्राम की अगर दो गोली उसको अगर दे दें आ, एक महीने के अंतर पर दो बार में तो उससे जो है ना कई बार आ, जो पेट में कीड़े हैं वो उसके पशु की खुराक को मतलब खाते रहते हैं और जो खुराक है वो दूध बनाने में इस्तेमाल नहीं होती और पशु दूध कम देता है तो पहली बात तो ये है कि आप उसके में पहले पेट के कीड़ों की दवाई दिलवाएँ दूसरा जो आहार आप दे रहे हैं वो संतुलित होना ज़रूरी है कई बार सोचता है कि भाई खाली दलिया दे दिया तो दलिया उसका आहार नहीं आता तो उसके अंदर अनाज खल और चोकर जैसे अनाज है वो 30 से 40 प्रतिशत रखें खल है वो 30 पैंतीस प्रतिशत रखते हैं चोकर है वो 20 प्रतिशत रखें उसमें खनिज मिश्रण जो है दो प्रतिशत मिलाना जरूरी है और एक प्रतिशत उसमें नमक मिलाएं कई बार अगर दाने के अंदर खनिज मिश्रण नहीं मिलाएंगे तो दूध बनना उसमें कम होता है क्योंकि दूध बनने के लिए बहुत सारे तत्वों की आवश्यकता होती है और उसमें विशेषकर कैल्शियम फास्फोरस मुख्यतः है होते हैं उसके अलावा और, और भी अन्य तत्व होते हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि बाजार के अंदर खनिज मिश्रण दवाई की दुकान पर मिलता है उसका पचास ग्राम रोज दिन में एक बार अपने जो आप दाना खिलाते हैं उसमें मिला करके खिलाए तो निश्चित रूप से आपके पशुओं में दूध की मात्रा बढ़ जाएगी और ये आपकी समस्या खत्म हो जाएगी जी अमित कुमार दर्शक है बुलंदशहर से जी अमित जी सवाल बताइए जी मैम हमारे यहाँ पे टीकाकरण करने जो आते हैं <त्तथ> जी कौन सा <सीपर> काम करने आते <त्तथ> हैं टीकाकरण 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 करने आते हैं वो आते नहीं है टीकाकरण <त्त -तुछ> नहीं हो पा रहा है आपका ये कहना टीकाकरण <त्त <-त्तथ> नहीं, नहीं हो पाता आते भी हैं तो एक प्राइवेट डॉक्टर को दे के चले जाते हैं नहीं टीकाकरण आप बीमारी की बात कर रहे हैं या गर्भा टीकाकरण की बात कर रहे हैं किसी भी टीकाकरण कोई भी टीकाकरण नहीं कर पाते हैं यहाँ पे टीकाकरण करने के लिए वो टीम नहीं आती आपके घर पर वो नहीं आ पाते हैं तो देखिए मैं आपको सलाह दूंगा कि जिले के उत्तर प्रदेश के, के अंदर जिले के अंदर जो है ना ये मुख्य से आप जी उत्तर प्रदेश अस्पताल में आप जाए बुलंदशहर के जो मुख्य अस्पताल है वहां पर जाएं उनके डॉक्टर से आप मिलें और अगर आपको डॉक्टर नहीं जाता तो उनसे आप अपनी बात रख सकते हैं कि तो ऐसी बात नहीं है अगर आप रखेंगे तो निश्चित रूप से आ, जो आपके क्षेत्र का आ, जो भी अस्पताल में डॉक्टर हैं या जो कंपाउंडर जिनको बोलते हैं कहते हैं वहाँ पर स्टॉकमैन होते हैं वो जरूर आपको जाएंगे अपनी शिकायत आप वहाँ पर दर्ज करवा सकते हैं। हरी सिंह है एक दर्शक कपूरथला पंजाब से जी हरी सिंह जी बताइए सवाल हेलो जी नमस्कार जी जी नमस्कार हरी सिंह बोल रहा हूँ जी पंजाब से जी हरी सिंह जी स्वागत है आपका हाँ जी पूछना चाहते हैं कि ये दूध देने वाला जो पशु है उसको बिनोले की खाल देनी चाहिए और देनी चाहिए तो कितनी देनी चाहिए यही सवाल है जी करके बताया जाए बिल्कुल देखिए पंजाब के अंदर काफी ये जो बिनोला जो है कपास की फसल लगाई जाती है तो आप बिनोले की खल खिला सकते हैं पशु को काफी अच्छी लगती है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप 30 से प्रतिशत तीस से 35 प्रतिशत तक जो है खल आप खिला सकते हैं वैसे अच्छा ये रहता है कि अगर आप दो तीन खल मिला के खिलाए तो वो ज्यादा पशु आपका ज्यादा दूध देगा तो उसमें सरसों की खल कुछ मिला लें और बिनोले की उसमें खल ज्यादा मिला सकते हैं क्योंकि जो बिनोला की खल है वो आपके क्षेत्र के अंदर ज्यादा पैदा होती है तो सस्ती भी होगी और ये बहुत अच्छी बात है कि दा, जो दाना है या जो आहार है वो पौष्टिकता के साथ साथ सा, सस्ता भी हो तो ज्यादा अच्छा रहता है जी और इसी के साथ ही वक्त हो गया एक और ब्रेक का कहीं मत जाइएगा देखते रहे किसान कहां चलेगी शीतलहर कहां पड़ेगी बर्फ किधर कर जाएंगे बादल कहां खिलेगी धूप इलाके पर है तूफान का साया और कैसे करें खेती देखिए मौसम खबर लाइव रोजाना शाम पाँच बजे और शाम सात बजकर तीस मिनट आरोप

बिल्कुल बिल्कुल देखिए जो आप बीमारी बताते हैं उसको हम लोग पायका के नाम से जानते हैं इसमें पशु जो भोजन के आ, अलावा अन्य ऐसी चीजें खाने लगता है जो उसके भोजन की नहीं होती दीवार चाटना है पत्थर खाना है ये बिल्कुल क्लियर जो है ना वो एक तरह का लक्षण है कि आपके पशु के अंदर खनिज लवण की।, की।, की जो है कमी है तो आप एक तो पशु का पहले आप जो है पेट के कीड़ों की दवाई दिलवाएं कई बार क्या होता है पेट में कीड़े होते हैं तो उसकी वजह से भी पशु ज़्यादा खाता है और बेकार की चीज़ें खाने लगता है तो एक तो आप जैसे मैं अभी पहले ही बताया था कई तरह की दवाइयाँ आती हैं पशु अस्पताल में आप जाइए और राजस्थान में तो ये है कि आपको सरकार की तरफ से सारी दवाइयाँ वहाँ पर निःशुल्क मिलती हैं तो आप संपर्क करें तो पहले पे, 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 तो, पे, पे, तो पेट के कीड़ों की दवाई दिलवाएँ उसके बाद में पशु को दो प्रतिशत खनिज मिश्रण और एक प्रतिशत जो है नमक दाने में मिलाकर देंगे तो ये धीरे धीरे समस्या आपकी एकदम खत्म हो जाएगी और पशु केवल आपका चारा दाना या खली खाएगा इस तरह की बेकार चीज़ें नहीं खाएगा जी तो ये तो बात रही कि, कि किस तरह का आहार होना चाहिए और अगर इस तरह के संकेत पशु की तरफ से मिल रहे हैं तो उसे समझना बहुत जरूरी है ताकि उसी हिसाब से आप उस उसका इलाज जो है वो ढूंढ सके डॉक्टर साहब अब टीकाकरण के बारे में बताइए कि जैसे कि दर्शक थे जो कि टीकाकरण के बारे में कह रहे थे कि कराना चाहते हैं लेकिन टीका हो नहीं पा रहा है हमारे पशुओं के लिए टीकाकरण कितना महत्वपूर्ण है और कौन कौन सी समस्याओं के लिए ये लगाया जाता है देखिए पशुओं के अंदर बीमारियां जो होती हैं वो कई कारणों से होती हैं एक संक्रामक रोग होते हैं जो बहुत तेजी से फैलते हैं और वो किन्नी जो विषाणु हैं या जीवाणु हैं उनके द्वारा होती हैं और ये वातावरण के अंदर विषाणु या जीवाणु उपस्थित रहते हैं और जैसे ही हमारे किसी पशु का जो प्रतिरोधक क्षमता है वो तो कम होती है तो ये आक्रमण करते हैं और वो पशु हमारा बीमार हो जाता है तो इसमें जो है मुख्यतः जो खुरपका मुँह पका रोग आ, हमारी गाय भैंस हैं भेड़ बकरी हैं इनमें बहुत ज़्यादा रोग होता है और ये रोग हमारे पशु को बिल्कुल बेकार कर देता है मुँह खुर पका खुरपका के कारण क्या है कि पशु के मुँह के अंदर और थनों पर और पैर में जो खुरे हैं उनके बीच में घाव बन जाते हैं पशु जो है चारा दाना नहीं खा पाता लार गिरती रहती है पशु लंगड़ा के चलता है और दूध उत्पादन बहुत कम हो जाता है और पशु जो है ना वो एक तरह से बेकार हो जाता है हमारे किसान को बहुत ज़्यादा हानि उठानी पड़ती है और देखिए ये एक प्रकार के विषाणु से होता है तो इस रोग के आने पर तो इसका कोई इस तरह का कोई बचाव नहीं है वो तो आठ दस दिन पशु बीमार रह गई हाँ थोड़ा बहुत तो उसका इलाज हो सकता है परंतु सबसे बढ़िया ये है इसका टीकाकरण है और इसका टीकाकरण जैसे हम बताया हमारे पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर राज्य सरकार है इसका टीकाकरण नियमित रूप से होता है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि मार्च में और सितंबर में आ, साल के इन दो महीनों में अगर आप टीकाकरण करवा दें तो इसका रोग का पूरी तरह से बचाव हो जाता है और ये बीमारी होने का कोई खतरा नहीं होता उसी तरह से हमारे भैंसों में विशेष रूप से गलघोटू रोग होने का भी खतरा रहता है तो इसका टीकाकरण भी आप जरूर कराएं और ये रोग बरसात में ज्यादा होने का चांस है तो उससे पहले टीकाकरण करवा देंगे जी, जी, तो जी। सकते हैं। मनी ले हैं जी, जी बताइए सवाल क्या आपका हेलो जी नमस्कार सवाल बताइए मनीराम जी हाँ मैडम मेरा सवाल है कि मेरे पास भैंस है तो उसका दूध जैसे शाम को निकाल लेते हैं सुबह चाय में डालते हैं या गर्म करते हैं तो उसमें अजीब सी स्मेल आने लग जाती है जी देखिए मैं ये कहूँगा कि जहाँ भी आप अपने पशुओं को रखते हैं पहले तो उसकी सफाई नियमित रूप से करें और सप्ताह के अंदर एक बार फिनाइल का घोल डालकर उसको रखें कई बार जो है ये अगर पशुशाला गंदी है या पशु आपका गंदा है तो उसकी कई बार बदबू जो है जब आप दूध निकालते हैं तो उसकी वजह से भी हो सकती है दूसरा कई बार अगर कोई हरा चारा या दाना ऐसा खिलाते हैं जिसमें कोई किसी तरह गंद होती है तो उसके द्वारा भी संभावना रहती है कि दूध के अंदर वो गंद होती है और मैं एक आपको एक दवाई बताऊँ आप जो है ना अपने पशु को लगभग 100 ग्राम के आसपास खाने वाला जो सोडा जो है वो अगर आहार में मिला देंगे तो ये जो आपकी बदबू वाली समस्या है ये बिल्कुल निश्चित रूप से दूर हो जाएगी जी अब मैं चाहूँगी डॉक्टर साहब अंत में हमारे दर्शकों को बताएं कि बीमारियाँ कौन कौन सी हो सकती हैं हाँ देखिए जिस तरह से आजकल का मौसम चल रहा है काफी ठंड हो रही है और रात में तापक्रम छः डिग्री सात डिग्री तक जा रहा है तो अपने पशुओं को ऐसे मौसम में बचा के रखें रात के अंदर, मतलब अंदर रखें और हमारे अगर मान लो कोई उसमें खिड़की दरवाजा है तो पर पर्दे लगा के रखें और ये कोशिश करें कि जो फर्श है उसको नियमित रूप से उसकी सफाई करें कई बार ये होता है कि पशु गोबर पेशाब करता रहता है तो उससे जो फर्श है वो काफी गीला रहता है जे जे. और उससे पशु को ठंड लगने की संभावना रहती है तो कोई बिछावन डाल दें अगर मान लो अगर धान की फसल होती है तो पुआल डाल दें अगर कहीं गन्ना है तो उसकी जैसे सूखी जे जे, कोई जे. है इस तरह का कोई भी बिछावन उसमें डाल दें ताकि पशु को फर्श से ठंड ना मिले और पानी उसको ताजा दें कई बार अगर बासी पानी पिलाएंगे तो ऐसे मौसम में उसको जुखाम खांसी सर्दी पानी हाँ मतलब। ये होने का संभावना रहती है और आधा किलो गुड़ भी अगर इस मौसम में अगर पशु को दें तो काफी हद तक हमारे पशु को इस मौसम में जो ठंड का मौसम है उससे काफी हद तक बचाया जा सकता है और पशु अच्छा दूध दे सकता है जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शर्मा स्टूडियो में आए और हमारे जो दर्शक हैं जो किसान पशुपालन से जुड़े हुए हैं उन्हें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी आपने बहुत, बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद जी और इसी के साथ ही हेलो किसान में आज फिलहाल इतना ही लेकिन कल फिर हाजिर होंगे इस समय जागो किसान के साथ आइए जान लेते हैं कल का विषय क्या है कल का विषय खाद्य कृषि उत्पादों का निर्यात और बीमा योजनाएं है खाद्य कृषि उत्पादों का निर्यात और बीमा योजनाएं कल ये जागो किसान का हमारा विषय है अगर आप आ, कोई प्रश्न हम तक पहुंचाना चाहते हैं कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें हमारा ईमेल एड्रेस है हेलो किसान दो शून्य एक पाँच ऐट जी मेल डॉट कॉम और फेसबुक बुक के माध्यम से भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं बहुत आसान तरीका है फेसबुक पर जाए सर्च बॉक्स में हिंदी में आप हेलो किसान टाइप करें हमारा आई खुल जाएगा जिसे ऐड कर सकते हैं फॉलो कर सकते हैं मैसेंजर के माध्यम से भी आप अपने प्रश्न हम तक पहुँचा सकते हैं वॉल पर भी सवाल लिख सकते हैं जो कि हम तक पहुँचेंगे और उन सवालों को हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे के सामने रखेंगे। छह शून्य सोमवार से शनिवार सो सुबह छह से रात दस बजे तक नंबर उपलब्ध है इस पर आप फोन करें और अपना प्रश्न रिकॉर्ड करवाएं जिसे हम अगले दिन कार्यक्रम में शामिल करते हैं फिलहाल दीजिए इजाजत लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ नमस्कार